बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले दुरूद पाक दो जहानों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम देखने वालों को मेरे चैनल डब्ल्यू बी फूड किचन में खुश आमदी। जी आज हम बनाने जा रहे हैं जी यमनी चूरी, जिसके लिए ले ली है जी मैंने 3 से 4 चीनी के चम्मच। तो हम इसका बनाएंगे जी अब पाउडर, क्योंकि पाउडर इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को या मेहमानों के सामने अगर ये चूरी पेश करें तो उनको ये चीनी जो है ना वो दानेदार पसंद नहीं आती, तो हमने ये पाउडर बना लिया। तो आएँ जी हम अब चलते हैं अपनी चूरी के सेटअप पर। आ चुके हैं जी अपने सेट पर। ये मैंने रोटियां ले ली, साथ में जो शुगर पाउडर है, केले पड़े हुए हैं, शहद है और साथ में क्रीम है, और ये है जी देसी घी, और ये है हमारा बॉल जिसे हम अब यमनी चूरी जो है ना वो तैयार करेंगे। रहीम सबसे पहले दुरूद पाक दो जहानों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जी अभी हम अपने चूरी का सेटअप कर रहे हैं, तो इसके जो रोटी है ना इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, इसको पंजाबी में बोलते हैं जी बोड़े। तो ये हम बना लेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम छोटे छोटे। तो इससे जो है ना आगे वो चूरी का जो है ना मुकम्मल प्रेस शुरू करेंगे। दिखाओ जी, ये नीचे करो थोड़ा सा, दिखाओ ये देखें जी। इस तरीके के साथ जो है ना दो रोटियां इसके बोड़े काट लेंगे, ये देखें जी ये रोटियों के हो रहे हैं जी बोड़े। जी आप देख सकते हैं कि ये जो रोटियां हैं इसके मैंने बोड़े काट लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जी देसी घी, ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसमें डालेंगे जी देसी घी, नीचे करो दिखाओ, ये देखें जी देसी घी जो है ना हमने इसमें डाल दिया। बाकी का भी चेक कर लेते हैं, और इसमें साथ में डालेंगे ये जो शुगर पाउडर है ना ये डालेंगे, ये जो चीनी का हमने पाउडर बनाया हुआ था। चीनी आप जो है ना उसका पाउडर के बगैर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो नज़र आएगी, इस तरीके से ये नज़र नहीं आएगी और जो चूरी है ना वो मेहमानों के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगी। इसको अब हाथ के मदद से ना इसको अच्छे तरीके से ना ये ब्रीक कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये जो रोटी के बोरे हैं इसको मैंने हाथ की मदद से जो है ना वो ब्रीक कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे जी बनाना। जी अब ये हमने केले ले लिए हैं, तो इसको जो है ना वो अब इसके अंदर जो है ना इसका पेस्ट बनाएंगे चूरी के अंदर। चले आए जी शुरू करते हैं जी। यमनी चूरी जो है ना इस तरीके से बनती है जी देसी माहौल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो केले हैं ना वो हमने जो है ना चूरी में उसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे जी क्रीम, ये देखें आप मैंने ये क्रीम ले ली। ये देखें जी हमने जो क्रीम है ना ये इसमें डाल ली है, तो ये क्रीम डाल दी हमने जी सारी इसमें, और इसके ऊपर डालेंगे जी हम हनी जो मैंने लिया जी मरहबा वालों का। ये देखें जी बाद में कितना अच्छा माशाल्लाह ये आएगा जी, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप, ये देखें जी कितना अच्छा आया बन के जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी जो यमनी चूरी है ना वो कितनी अच्छी बन के हो गई जी तैयार माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसको ज़रूर घर में तैयार करें, अपने बच्चों को खिलाएं, उसको इंशाल्लाह ज़रूर बच्चों को पसंद आएगी, और जो अपने मेहमानों को पेश करें वो इंशाल्लाह आपकी लाजमी तारीफ करेंगे। इसका बेहतरीन जायका आता है। ये यमनी चूरी है जी, जब मैं सऊदीया में था उधर से मैंने सीखी थी यमनी भाइयों से, तो ये माशाल्लाह जो है ना इसका जायका बहुत मज़ेदार आता है। हमारी चैनल पर मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और अपने मेज़बान वलीद भट्टी को दें जी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।